खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के मार्चा पंचायत के मार्चा गांव में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पौलुस सुरेन जी के मत से एक प्याऊ का निर्माण कराया गया है, मगर प्याऊ बने कई महीने बीत गए मगर फिर भी यह प्याऊ चालू नहीं हो पाया है। प्याऊ चालू नहीं रहने के कारण यहाँ की जनता और स्कूल के बच्चे बहुत ही परेशान हैं। अभी हमारे बच्चे पानी पीने के लिए यहाँ चार चापाकल है, लेकिन चार चापाकल में दो चापाकल ठीक है, दो चापाकल का भी यूज नहीं हो रहा, मतलब पानी नहीं निकल रहा है। उसके बाद बाकी तो बगल में कुआं है, कुआं के बगल में प्याऊ है। हाँ, उसका क्या स्थिति है? कुआं के बगल में प्याऊ है, वो विधायक मत से बनी है और उसका रंग रोगन बोरिंग आदि हुआ है और यहाँ तक जानकारी थी कि उसमें सबमर्सिबल मशीन फिट हुई थी और वो कोई सारा दिक्कत आया तो कैसे करके कोई तो निकाल के ले गया। तो अभी आप लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो उसका तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ 550 बच्चे हैं और इन बच्चों को पीने का पानी चाहिए और ये कुआं से पानी समय बे समय लेते हैं, तो ये प्याऊ की सुविधा हो जाने से तो एक भय हमारे मन में हर हमेशा बनी रहती है कि कुआं से पानी खींचने में कहीं हमारे बच्चे कुएं में तो नहीं गिर जाए। आप तमाम वीडियो देखने वालों से मैं यह अपील करता हूं कि आप हमारे तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पौलुस सुरेन जी को मोबाइल नंबर पे कॉल करके समस्या से अवगत कराएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और यहाँ के लोग इस प्याऊ का लाभ उठा सके। मैं अमित टोपनो खूंटी जिला से इंडिया नेट के लिए।